नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि यहाँ पर हम आप लोगों के लिए यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के लिए धुनिया लोक का पाठ अभी चला रहे हैं, तो इसके अंतर्गत ये आपका द्वितीय पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसमें हम लोगों ने प्रथम पाठ में धुनिया लोक के मंगलाचरण को और काव्य की आत्मा होती है ध्वनि, इसको हमने देखा था। काव्य से आत्मा ध्वनि ही, ये हमने देखा। और फिर ध्वनि को खंडन करने के लिए तीन जो मत हैं उन तीन मतों को देखा, जिसमें पहला मत जो है वो अभाववादियों का है। इस अभाववादियों का मत हमने जब पढ़ा, तो अभाववादियों के मत को पढ़ते समय हमने सहृदय हृदयालाधि शब्दार्थ में तमेव काव्य लक्षणम, ये एक काव्य लक्षण जो कि ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन आचार्य के द्वारा लिखित है, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए इस काव्य लक्षण को भी हमने देखा, क्योंकि वृत्ति भाग में आया हुआ है, कारिकाओं में ये नहीं है। इसके बाद हमने लक्षणावादियों का मत देखा, और इसमें हमने लक्षणा भक्ति भक्त अमुख्यावृत्ति गौण वृत्ति इत्यादि पर्यायवाची होते हैं, और फिर हमने अनिर्वचनीयतावाद को देख लिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने उसके जो भेद किए हैं उन भेदों को देखेंगे, और ये आपकी अगली कारिका यहाँ से प्रारंभ की जा रही है। ठीक है, तो तत्र ध्वनिरेव लक्षयितुम आरब्धस्य भूमिकाम रचयितुम इदम उच्यते। तो कहते हैं कि अब यहाँ पर ना इसके पहले प्रयोजन का विषय संबंध अधिकारी और प्रयोजन तीन चीजों का माने चार चीजों का यहां पर निरूपण पहले किया था। ठीक है, कि किसी भी ग्रंथ का जो प्रारंभ किया जाता है तो उसके पहले अनुबंध चतुष्टय होना चाहिए, अनुबंध चतुष्टय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहां पर जो पहले प्रतिपादित क्या करना है, काव्य की आत्मा है ध्वनि, उस ध्वनि का निरूपण यहां पर करना है, ये चीज भी पहले बता चुके हैं। और जो उसको जानना चाहता है ऐसा सहृदय व्यक्ति वो उसका अधिकारी है, और सहृदयों के मन में एक प्रीति उत्पन्न हो, सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम निरूप्यते, तो जो वो प्रीति है सहृदयों के हृदय में प्रीति उत्पन्न हो, ये वहाँ उस ग्रंथ का प्रयोजन, इस ग्रंथ का प्रयोजन है। ठीक है, और जो इस ग्रंथ में प्रतिपादित किया जा रहा है ध्वनि, वो क्या है, इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य है, और इसको जानने की इच्छा रखने वाला सहृदय अधिकारी है, और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव अथवा बोध्य बोधक भाव इत्यादि जो है वो संबंध होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है हम आगे देखते हैं। तो तत्र ध्वनिरेव लक्षयितुम आरब्धस्य भूमिकाम रचयितुम मुच्यते। कहते हैं कि ध्वनिरेव लक्षयितुम आरब्धस्य, कहते हैं कि ध्वनि को ही क्या करना चाह रहे हैं, मतलब उसका ही लक्षण करेंगे, तो उसकी पहले भूमिका को बनाना जरूरी है, आगे ध्वनि का ही विशेष प्रकार से जो है निरूपण करेंगे, तो पहले उसकी भूमिका बनाना जरूरी है, तो वो भूमिका के लिए यहाँ पर इस कारिका को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, आगे ध्वनि को लक्षयितुम मतलब लक्षण करेंगे उसका, तो इसलिए अब उसकी भूमिका को रचना जरूरी है, तो उसकी भूमिका को पहले बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, योऽर्थः सहृदय श्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदाबुभौ स्मृतौ। जो अर्थ सहृदयों के द्वारा, ठीक है, सहृदय श्लाघ्या मतलब क्या है, सहृदयों के द्वारा जो अर्थ श्लाघ्य होता है, श्लाघ्य का मतलब क्या है, काव्य की आत्मा के रूप में जो अर्थ सहृदयों के द्वारा स्वीकार किया गया है, काव्यात्मेति व्यवस्थितः मतलब कि काव्य की आत्मा, वो काव्य का क्या है, जीवन है, तो जीवन के रूप में जो सहृदयों के द्वारा जिस अर्थ को स्वीकार किया गया है, और सहृदयों के द्वारा जिस अर्थ को प्रशंसा जिसकी की जाती है, ऐसा सहृदय श्लाघ्य जो अर्थ होता है उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद होते हैं। ठीक है, वाच्य और प्रतीयमान तस्य भेदाबुभौ स्मृतौ, उसके दो भेद होते हैं, स्पष्ट हो गया। सहृदयों के द्वारा श्लाघ्य जो अर्थ काव्य के जीवित के रूप में, काव्य के जीवन के रूप में माना गया है, वो जो है उसके दो भेद होते हैं, वाच्य और प्रतीयमान। ठीक है, अब देख लीजिए, काव्य से ही
ललित उचित सन्निवेश चारुणः शरीरस्य इव आत्मा साररूपतया स्थितः सहृदय श्लाघ्यः यो अर्थः तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्च दो भेदौ। ठीक है, काव्यस्य कहते हैं जो काव्य होता है उसका, काव्य का, काव्यस्य ही काव्य का। अब देखो काव्य का विशेषण दिया है ललित उचित सन्निवेश चारुणः, कैसा काव्य होना चाहिए, ललित उचित सन्निवेश चारु काव्य होगा। ठीक है, ललित का मतलब क्या है, ललित है मतलब गुण और अलंकारों से युक्त हो जो, और उचित, उचित यानी रस के अनुकूल सन्निवेश किया गया हो, सन्निवेश किया गया हो मतलब शब्द और अर्थों को रखा गया हो। ठीक है, ललित यानी गुण और अलंकारों से युक्त, उचित यानी रस के अनुकूल, जहां पर सन्निवेश, सन्निवेश अर्थात शब्द और अर्थ को जहां पर रखा गया हो, तो उस शब्द और अर्थ के रखे जाने से जो चारु यानी सुंदर जो काव्य है उस काव्य की आत्मा, जैसे शरीर की आत्मा होती है उसी प्रकार से उस काव्य की आत्मा, आत्मा यानी सार के रूप में स्थित, जैसे शरीरस्य इव आत्मा, जैसे शरीरस्य इव, इव मतलब तरह है, तुल्य, तो शरीरस्य इव शरीर की तरह आत्मा, जैसे शरीर की एक आत्मा होती है वैसे ही काव्य की भी आत्मा होती है। काव्य कैसा है, तो ललित यानी गुण और अलंकार से युक्त, उचित यानी रस के अनुकूल, सन्निवेश यानी शब्द और अर्थ को जहां रखा गया हो, उसके द्वारा जो चारु यानी सुंदर जो काव्य, उस काव्य की आत्मा यानी सार के रूप में स्थित, जो सहृदयों के द्वारा श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय जो अर्थ होता है, उसके बाच्य और प्रतिमान दो भेद होते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया होगा, यहां पर अर्थ भी कर दिया गया है कि ललित यानी गुण और अलंकारों से युक्त और उचित यानी कि रस के अनुकूल, जहां पर सन्निवेश किया गया हो मतलब शब्द और अर्थों को रखा गया हो, तो इसके द्वारा जो विरचित चारु मतलब होता है मनोरम, जो मनोहर काव्य रूपी जो शरीर, उस शरीर में जीवित की भांति, जीवन की भांति यानी आत्मा की भांति श्रेष्ठ अंश रूप से जो स्थित है, सार के रूप में जो स्थित है, जो सहृदयों के द्वारा श्लाघ्य है, जो सहृदयों के द्वारा श्लाघ्य है, यो अर्थः मतलब जिसकी सहृदय भी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, केवल पामर लोग ही जिसकी प्रशंसा नहीं करते, जिसकी सहृदय लोग भी प्रशंसा करते हैं, उसका वाच्य और प्रतीयमान नाम का दो भेद होता है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो सहृदयों के द्वारा जो प्रशंसनीय अर्थ है वही काव्य का प्राण होता है, उसके दो भाग हैं, वाच्य भाग और प्रतीयमान। ठीक है, प्रतीयमान भाग के अभाव में, अगर देखो प्रतीयमान जो होता है ना वही व्यंग्य है, प्रतीयमान क्या है, प्रतीयमान व्यंग्य है, अगर वो नहीं होगा तो केवल ऐसे ही वाच्य भाग होगा तो उसकी प्रशंसा सहृदय लोग नहीं करेंगे, उसे काव्य नहीं मानेंगे। ठीक है, वही आगे जो है बताएंगे कि जब व्यंग्य अर्थ प्रधान और गौण रूप से स्थित रहेगा, तो जब व्यंग्य अर्थ प्रधान रूप से रहेगा तो वहां ध्वनि काव्य होगा, और व्यंग्य अर्थ अगर गौण रूप से रहेगा तो गुणीभूत व्यंग्य होगा। दो प्रकार के काव्य होते हैं। ठीक है, तो ध्वनि, जब ध्वनि में व्यंग्य अर्थ आत्मा रूप होता है और गुणीभूत व्यंग्य में, गुणीभूत व्यंग्य होगा तो वहां पर जो है व्यंग्य से उपस्कृत वाच्य, मतलब कि व्यंग्य वहां गुणीभूत होगा और वाच्य जो है वहां पर प्रधान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यंग्य नहीं रहेगा, व्यंग्य तो रहेगा ही, तो वो वहां आत्मरूप हो जाता है, इसके अतिरिक्त जो रचना होती है वो आत्मेन माने चित्र काव्य, चित्र कहलाती है, वो काव्य नहीं होती। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अगली कारिका देखते हैं, तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैः उपमादिभिः। ठीक है, तो दो प्रकार का बता दिया, कौन कौन सा, वाच्य और प्रतीयमान। प्रतीयमान जो होता है, प्रतीयमान को व्यंग्य भी कहते हैं। ठीक है, प्रतीयमान को व्यंग्य भी कहते हैं, तो जिसमें जो वाच्य अर्थ है वो क्या है, वाच्य अर्थ जो है वो शब्दालंकार और अर्थालंकार के रूप में, अथवा वाच्य से तो शब्द को छोड़ सकते हैं, हम अर्थालंकार को ले लेंगे। ठीक है, तो अर्थालंकार जो है वो उपमा इत्यादि जो प्रकार हैं उन प्रकारों के रूप में वाच्य अर्थ क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तत्र वाच्यः प्रसिद्धः, वाच्य जो है वो प्रसिद्ध है, किस प्रकार से, उपमा इत्यादि प्रकार से वाच्य अर्थ प्रसिद्ध है। बहुधा व्याकृतः शून्य ही, वो जो वाच्य अर्थ है अर्थालंकार इत्यादि रूप, उपमा इत्यादि रूप,
वो बहुत प्रकार से अन्य लोगों के द्वारा, अन्य काव्य शास्त्रियों के द्वारा व्याकृतः यानी उसका व्याख्यान किया गया है। ठीक है, तो अन्य ही का मतलब क्या है? काव्य लक्ष्म विधायी भी, काव्य के लक्ष्म यानी लक्षण को विधान करने वाले यानी काव्य शास्त्रकारों के द्वारा, अन्यों के द्वारा उसका बहुत प्रकार से व्याकृतः यानी व्याख्यान किया गया है, उसका निरूपण किया गया है। ततो नेह प्रतन्यते, तथा माने इसलिए, नेह माने यहाँ पर, न इह माने नहीं, यहाँ पर प्रतन्यते मतलब उसका विस्तार किया जाएगा, यहाँ उसको जो है विस्तार पूर्वक निरूपण उसका नहीं किया जाएगा। तो बोले क्या उसका नाम भी नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा, जितना जरूरी होगा उतना उसका उपयोग किया जाएगा। केवलम अनुद्यते, केवल उसका अनुवाद कर लिया जाएगा, उल्लेख कर दिया जाएगा, जितना उपयोग होगा उतना उसको रख दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना स्पष्ट हो गया कि जो वाच्य अर्थ होता है वो उपमा इत्यादि प्रकारों के रूप में प्रसिद्ध है, और वो अन्य लोगों के, अन्य काव्य लक्ष्म विधायी भी, अन्य काव्य लक्षण विधान करने वालों के द्वारा बहुत प्रकार से उसका, अरे बहुत भेद उसके बताए गए हैं, इसलिए उसको यहाँ पर रखने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर जो है, यहाँ पर हम सिर्फ उसका जितना उपयोग होगा उतना रख लेंगे, लेकिन लेकिन जो प्रतीयमान व्यंग्य अर्थ है उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो इतना स्पष्ट हो गया वाच्य और प्रतीयमान अर्थों में जो वाच्य भाग वो है जो उपमा इत्यादि वाच्य अलंकार के रूप में काव्य में प्रसिद्ध है, उपमा आदि अर्थालंकार काव्य में जो है वो वाच्य अर्थ के ही धर्म है, इनसे युक्त होने पर लक्षणा के द्वारा वाच्य अर्थ उन अलंकारों के रूप में कहे जाते हैं। मतलब कि आप ये समझ लीजिए जो जो वाच्य अर्थ है वही वाच्य अलंकार है, अर्थालंकार है। ठीक है, और वो भामह उद्भट इत्यादि काव्य शास्त्रकारों ने विविध वाच्य अलंकार, विविध प्रकार के अर्थालंकार उन्होंने बताए हैं, आपको पता ही है अर्थालंकार पता है ना, उपमा इत्यादि, तो वही भामह उद्भट इत्यादि सबने विवेचन कर दिया है, तो उनका यहाँ पर इसलिए नहीं उनको जो है स्थान दिया गया। इस ग्रंथ में जो है वाच्य अर्थ का विस्तार पूर्वक निरूपण नहीं किया गया, केवल आवश्यकता के अनुसार उल्लेख कर दिया जाएगा। हमारा मुख्य विषय क्या है? तो हमारा मुख्य विषय जो है प्रतीयमान अर्थ है। क्या है हमारा मुख्य विषय? क्या है हमारा मुख्य विषय? है प्रतीयमान अर्थ। ठीक है, तो प्रतीयमानम पुनर्न्यदेव वस्तुस्ति बाणेषु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तम विभाति लावण्यमिवांगनासु। ठीक है, कहते हैं कि प्रतीयमानम, जो प्रतीयमान अर्थ है वो हमारा यहाँ पर विषय है। तो देखिए, महाकवीनाम वाणीषु, महाकवियों की, जितने भी बड़े बड़े महाकवि हुए हैं, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास इत्यादि, उनकी जो वाणी है तो उनकी वाणी में, ठीक है, उनके काव्य में, महाकवियों की वाणी यानी कि उनके उनके काव्य में जो प्रतीयमान है वह अन्यद एव वस्तु अस्ति। वो प्रतीयमान अर्थ जो है वो अन्य ही वस्तु है। बोले किससे अन्य है? तो कहते हैं वाच्य से, वाच्य से एक अलग ही, वाच्य से अलग ही कोई अलग ही अर्थ है प्रतीयमान। प्रतीयमान का मतलब क्या होता है? व्यंग्य। ठीक है, तो आपको पता ही है कि व्यंग्य अर्थ तो वाच्य से अलग होता ही, स्पष्ट है। ठीक है, तो जो महाकवियों की वाणियों में माने काव्यों में जो वस्तु प्रतीयमान जो वस्तु है वो क्या होती है? वो वाच्य वस्तु से एक अलग ही होती है। ठीक है, प्रतीयमान माने व्यंग्य वस्तु वाच्य वस्तु से क्या होती है? अलग ही होती है। अब देखिए, यत्तत् शब्द जो है, यत्तत् शब्द जो है वो द्योतित कर रहा है, किसको? प्रसिद्धि को द्योतित करता है, कि मतलब यहाँ पर जो है ना वाच्य से व्यंग्य अलग ही होता है, ये बात प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धावयवातिरिक्तम विभाति लावण्य विभांगनासु, यहाँ इव, इव मतलब ये तुलना कर रहा, मतलब तुलना का द्योतक है, कि किससे तुलना की जा रही है? उस व्यंग्य अर्थ की लावण्य से तुलना की जा रही है, लावण्य से तुलना व्यंग्य अर्थ की जा रही है। जिस प्रकार से अंगनासु, अंगनाओं में, जिस प्रकार से अंगनाओं में, तो अंगनाओं का मतलब स्त्रियों में। अब यहाँ पर जो ना प्रत्यय है ना वो प्रशंसा अर्थ में होता है, यानी कि मतलब जिनके प्रशंसनीय अंग हैं, सुंदर अंग हैं, सुंदर अंग वाली स्त्रियों में जिस प्रकार से लावण्य होता है उनके अंदर, उसी प्रकार से जैसे उनके अंदर एक लावण्य नाम की एक विशेष प्रकार की वस्तु होती है, वो लावण्य क्या होता है? वो उनके अंगों से अलग होता है, उनके मुख से, उनकी नाक, उनके हाथ, उनके उनके जो शरीर में जितने भी अवयव हैं, उन सभी प्रसिद्ध अवयवों से एक अलग ही लावण्य जिस प्रकार से विभाति यानी सुशोभित होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर महाकवियों की वाणियों में वाच्य से अलग ही एक व्यंग्य अर्थ जो प्रतीयमान अर्थ है वह सुशोभित होता है। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो अवयव होते हैं शरीर में
हाथ मुख इत्यादि, नाक इत्यादि, तो उन सबसे अलग ही, उन प्रसिद्ध अवयवों से अतिरिक्त लावण्य जिस प्रकार से अंगना यानी कि प्रशस्त अंग वाली स्त्रियों में, सुंदर अंग वाली स्त्रियों में मतलब जिस प्रकार से लावण्य विभाति सुशोभित होता है, उसी प्रकार से महाकवियों की वाणी यानी काव्य में वह जो वस्तु है वह वाच्य से अलग व्यंग के रूप में अलग ही जो है वो सुशोभित होता है। ठीक है, तो इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? जो लावण्य है वो अवयवों के द्वारा, अब अवयवों से लावण्य क्या होता है, अलग होता है, लेकिन लेकिन लावण्य अवयवों से ही क्या होता है, व्यंग्य होता है। लावण्य अवयवों से व्यंग्य होता है और अवयवों से अलग होता है। वैसे ही यहां पर प्रतीयमान जो है वो व्यंग्य है, वो वाच्य से व्यंग्य तो होता है लेकिन वो वाच्य से अलग होता है। ठीक है, देख लीजिए कि सभी वाल्मीकि, व्यास, कालिदास इत्यादि महाकवियों की जो काव्य रूपी वाणी है उसमें जो प्रतीयमान है वो वाच्य से एक पृथक ही अर्थ होता है, वो वाच्य नहीं होता है, वो वाच्य से अलग होता है, पृथक वस्तु है जो सहृदयों के हृदय में प्रसिद्ध, जैसे प्रशस्त अंगों वाली जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों में प्रसिद्ध अवयवों के अतिरिक्त अतिरिक्त गोचर होने वाला मतलब आंखों का विषय क्या बनता है, प्रसिद्ध अवयव तो बनते ही हैं लेकिन उसके अतिरिक्त एक लावण्य भी होता है। उसी की तरह यहाँ पर महाकवियों की वाणियों में वो प्रतीयमान वस्तु वाच्य से अलग लावण्य की तरह वो शोभा पाता है। ठीक है, सुशोभित होता है। वही यहाँ पर जो है स्पष्ट कर दिया कि प्रतीयमानम पुनः अन्य देव वाच्याद वस्तु अस्ति, प्रतीयमान जो होता है वो अन्य ही होता है, किससे अन्य होता है, वाच्याद, वाच्य से अन्य ही वस्तु होता है। वाणीसु महाकविना, महाकवियों की वाणी यानी कि काव्य में, यत्तत माने जो कि सहृदयों में सुप्रसिद्ध है, सहृदयों में जो सुप्रसिद्ध है, प्रसिद्धेभ्यः अलंकृतेभ्यः प्रतीतेभ्यः व अवयवेभ्यः, समझिएगा, जैसे जैसे काव्य में क्या है, काव्य में शब्दालंकार है, काव्य में अर्थालंकार है, काव्य में रीति है, काव्य में वृत्ति है, काव्य में गुण है, तो इन सब के द्वारा, इन इन सब चीजों के द्वारा क्या होता है वो, इन सब चीजों के द्वारा व्यंजित होता है, इन सब चीजों के द्वारा वो क्या होता है, वो व्यंजित होता है, वो प्रतीत होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, उसको प्रतीयमान कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें उसकी व्यंजक हो सकती हैं लेकिन ये सब चीजें ही व्यंग्य नहीं हो सकती, ये सब चीजें उसकी व्यंजक होती हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि जो सहृदयों में सुप्रसिद्ध, ये जो प्रसिद्ध जो शब्दालंकार अर्थालंकार इत्यादि जो प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्धेभ्यः अलंकृतेभ्यः, ये इन सबसे वो क्या होता है, अथवा जैसे किसी किसी अंगना के शरीर में जब उसके अवयवों को देखे जाने पर उन अवयवों से अतिरिक्त ही उसके अंदर एक लावण्य जैसे प्रतीत होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर व्यंग्य होता है। तो प्रतीतेभ्यः अवयवेभ्यो माने जो दिखाई दे रहे अवयव हैं, अरे ये शब्दालंकार अर्थालंकार इत्यादि ये सब दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, और जैसे रीति वृत्ति गुण इत्यादि काव्य पढ़ते ही समझ में आने लगते हैं, लेकिन वो जो व्यंग्य है वो सिर्फ सहृदय व्यक्ति के हृदय में ही वो जो है अपना स्थान बनाता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि अवयव प्रतीत जो अवयव है उनसे व्यतिरिक्त तत्व है, उनसे एक अलग रूप में वो प्रकाशित होता है, जिस प्रकार से अंगनाओं में लावण्य उसी प्रकार से यहाँ पर काव्य में व्यंग्य। यथा ही अंगनासु लावण्य, जो जैसे अंगनाओं में लावण्य होता है, अंगनाओं में जिस प्रकार से लावण्य होता है, पृथग निर्वर्णमानम मतलब एक अलग ही रूप से क्या होता है, निर्वर्णमान होता है, अलग ही रूप से वो एक अलग ही कोई मतलब अन्य अवयवों से एक अलग ही क्या है, पृथक मतलब एक अलग ही निर्वर्णमान मतलब दिखाई देखा जा रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसी निखिल अवयव व्यतिरेकी, सभी अवयवों से व्यतिरेकी मतलब भिन्न, सभी अवयवों से व्यतिरेकी माने भिन्न अलग ही कोई पृथक ही निर्वर्णमान तत्व जैसे अंगनाओं में लावण्य के रूप में दिखता है, तो उसी प्रकार से किमपि अन्य देव, अच्छा सहृदय सहृदय लोचनामृतम तत्वांतरम, वो लावण्य कैसा है, वो सहृदयों के लोचन के लिए अमृत रूप है, किस
किमपि अन्य देव, वो कुछ अलग ही है, जो तत्वांतर है मतलब अलग ही तत्व है, वो अवयवों में नहीं आता है। तद्वदेव, उसी की तरह, जो व्यंग्य अर्थ होता है, उसी की तरह जो व्यंग्य अर्थ होता है, वो व्यंग्य अर्थ भी क्या होता है, एक अलग ही तत्वांतर है जो सहृदयों के हृदय के लिए अमृत के समान होता है। और वो जो निखिल अवयव, जितने भी काव्य में अवयव होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार इत्यादि, उन सभी से वो अलग होता है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए, अब यहां पर ना उसके कुछ प्रतीयमान के भी क्या किए हैं, भेद दिखाए हैं कि वो वाच्य से अलग होता है। क्या होता है, वाच्य से अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ जो है भेद दिखाए हैं, उनको मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ठीक है, कई स्थितियां हो सकती हैं। जैसे पहली स्थिति है कि वाच्य क्या हो, विधि हो। विधि तो समझ रहे हैं ना, किसी चीज का विधान किया जा रहा हो, तो वाच्य विधि हो, लेकिन लेकिन उससे व्यंग्य क्या निकलेगा आपका, व्यंग्य जो है वो निषेध निकलेगा। ठीक है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में वाच्य जो हो निषेध रूप हो, वाच्य क्या हो निषेध रूप हो, मतलब श्लोक में लिखा कुछ विधान किया गया है, लेकिन वहां पर उससे निकल क्या रहा है, उससे जो निकल रहा है ना वो निषेध निकल रहा है, व्यंग्य निषेध निकल रहा है। दूसरी स्थिति में वाच्य निषेध है, लेकिन निकल क्या रहा है, व्यंग्य क्या हो रहा है, व्यंग्य यहां पर विधि हो रहा है। ठीक है, समझिएगा, मतलब हमने कहा कुछ और उससे निकल कुछ रहा है। जैसे हमने किसी का बहुत ज्यादा अपकार किया और वो हमसे कह रहा है कि आपने हमारा बड़ा उपकार किया, तो कह कुछ रहा है, निकल कुछ अलग ही रहा है। ठीक है, तीसरी स्थिति होती है कि वाच्य जो है वो विधि रूप हो और यहां आपका कुछ भी ना निकले, व्यंग्य जो है, व्यंग्य ना निषेध हो ना तो विधि हो, तो ना निषेध ना विधि, इसको हम क्या कहते हैं, अनुभय कहते हैं। ठीक है, चौथी स्थिति जो है कि वाच्य जो हो वो वाच्य प्रतिषेध रूप हो। क्या हो, वाच्य प्रतिषेध कहो चाहे निषेध कहो, एक ही बात है। वाच्य मतलब श्लोक में किसी चीज को मना किया जा रहा है, लेकिन उसका अर्थ वो निकल ही नहीं रहा है। व्यंग्य जो है ना, वो तो कुछ अलग ही निकल रहा है, वो ना तो मतलब निषेध रूप निकल रहा है ना विधान रूप निकल रहा है। ठीक है, एक और स्थिति हो सकती है कि वाच्य क्या हो, एक हो और व्यंग्य अनेक हो। क्यों, बोधव्य के कारण क्या हो, वाच्य तो एक है लेकिन व्यंग्य अनेक है। क्यों, बोधव्य अथवा हम कह सकते हैं श्रोता, अनेक श्रोताओं के कारण व्यंग्य क्या हो जाए, अनेक हो जाए। इस प्रकार से आपको इस श्लोक के अंदर पांच उदाहरण दिए गए हैं, इस कारिका के अंदर आपको जो है पांच उदाहरण दिए गए हैं, और इन पांचों को क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये इनसे परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो वाच्य के विधि रूप रहने पर, मतलब कि श्लोक में कुछ अलग ही हम बता रहे हैं और उसका व्यंग्य जो है निषेध निकल रहा है, उस जैसे श्लोक में कहा जा रहा है जाने के लिए निकल रहा है कि मत जाओ, एक में निषेध किया जा रहा है रोकने के लिए ना जाओ, लेकिन व्यंग्य निकल रहा है कि जाओ, एक में वाच्य में विधान कर रहे हैं लेकिन व्यंग्य कुछ अलग ही नहीं, अलग ही निकल रहा है, ना विधान निकल रहा है ना वहां निषेध निकल रहा है। तो ये स्थितियां होती हैं, एक में वाच्य तो एक ही है, श्लोक में एक ही वाच्य है, लेकिन अलग अलग उसके अर्थ निकल रहे हैं, श्रोता अलग अलग हैं, अलग अलग श्रोताओं के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वाच्य के विधि रूप रहने पर जब व्यंग्य निषेध रूप होता है तो ऐसी स्थिति में क्या है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। कहते हैं स ही अर्थ, माने वो जो प्रतीयमान अर्थ है। ठीक है,
वो वाच्य सामर्थ्य आक्षिप्तम, वाच्य के सामर्थ्य से क्या होता है, आक्षिप्त होता है, और वाच्य के सामर्थ्य से क्या होता है, आक्षिप्त होता है। और वस्तु मात्रम अलंकाराः प्रसादयश्च, वो तीन प्रकार का होता है। क्या होता है, प्रतीयमान अर्थ तीन प्रकार का। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कितने प्रकार का होता है और कौन सा प्रकार जो है इसका, देखिए कौन कौन से क्रम, मतलब दूसरा प्रकार कौन सा है, पहला कौन सा और तीसरा कौन सा है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो प्रतीयमान अर्थ है, प्रतीयमान अर्थ वो जो है आपका तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला होता है वस्तु, दूसरा होता है अलंकार और तीसरा होता है रसादि। ये आदि क्यों कहा, क्योंकि इसमें आठ आ जाते हैं, रस भाव रसाभास रस भाव रसाभास भावाभास भाव संधि भावोदय भावोदय और भाव शांति और भाव सबलता। ठीक है, रसादि में आठ आते हैं, तो वस्तु अलंकार और रसादि, तो तीन प्रकार का ये प्रतीयमान होता है। ठीक है, और वो जो अर्थ है वो वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होता है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं, वो क्या होता है, वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त, मतलब वाच्य के सामर्थ्य से वो सूचित होता है, और जिसमें जो है तीन प्रकार का होता है, वस्तु मात्रम, पहला वस्तु, दूसरा अलंकार और तीसरा रसादि। ठीक है, अब देखिए यही यहां पर बता दे रहे हैं कि इति अनेक, अनेक का मतलब है तीन, अनेक मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेना है, तीन तीन प्रभेद प्रभिन्न, तीन भेदों से वो भिन्न होता है, और इति अग्रे दर्शयिष्यते, इस बात को आगे दिखाएंगे। सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु, उन सभी प्रकारों में तस्य वाच्याद अन्यत्वम्, वो जो है वाच्य से क्या होता है, अन्य ही होता है। ठीक है, उन सभी प्रकारों में वो क्या होता है, वाच्य से अन्य होता है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं। अच्छा, अब यहां पर एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अलंकार जो है ना वो वाच्य भी होता है, और कई बार अलंकार क्या होता है, प्रतीयमान भी होता है, लेकिन जब ये वाच्य होता है तब तो अलंकार रहता है, और जो प्रतीयमान होता है तो ये वास्तव में अलंकार्य हो जाता है। क्या हो जाता है, अलंकार्य हो जाता है, अलंकार्य हो जाता है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण श्रमण न्याय से, ब्राह्मण श्रमण न्याय से क्या कह दिया जाता है, इसको जो है अलंकार को भी माने अलंकार्य को भी अलंकार कह देते हैं। क्यों, समझिएगा इस बात को। असल में ये पहले था अलंकार, जब ये वाच्य था तो क्या था, जब ये वाच्य था अलंकार तो अलंकार था, लेकिन अब ये जब ये व्यंग्य होता है, प्रतीयमान होता है, भाई अलंकार व्यंग्य भी हो सकता है, तो जब तब वो अलंकार हो जाता है। लेकिन फिर भी जैसे कोई श्रमण, श्रमण मतलब बौद्ध भिक्षु, पहले ब्राह्मण था अब वो बौद्ध भिक्षु हो गया, तो उसको क्या कह देते हैं कि ब्राह्मणोयम, ये तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण श्रमण अन्याय है कि जिसमें श्रमण बौद्ध भिक्षु हो गया है फिर भी उसको ब्राह्मण कह दिया जाता है क्योंकि वो पहले ब्राह्मण था। वैसे यहां पर भी ये अलंकार पहले वाच्य था लेकिन अभी ये प्रतीयमान माने व्यंग्य है, तो इसको अलंकार्य कहना चाहिए क्योंकि जो व्यंग्य होता है वो अलंकार्य हो जाता है, लेकिन ये इसको फिर भी अलंकार कहा जा रहा है। क्यों, ब्राह्मण श्रमण न्याय से। ठीक है, चलिए अब देखिए, जिसमें पहला भेद मैं आपको बताया था, तो सभी भेदों में क्या होता है, ये वाच्य से जो प्रतीयमान है वो अलग ही होता है, भिन्न ही होता है। तथा ही आद्यस्तावत प्रभेदो वाच्या दूरम विभेदवान, पहला जो प्रभेद है वो भी वाच्य से दूर, बहु मतलब दूर होता है, और विभेदवान माने अलग होता है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं, वो क्या होता है, वाच्य से दूर होता है और विभेदवान यानी अलग होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आद्या शब्द का प्रयोग किया है ये बता रहा है कि पहला प्रकार क्या था, वस्तु। ठीक है, ये जो यहां पर ना हर जगह आप क्या जोड़ लीजिएगा, वस्तु जोड़ना है आपको, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा ना, वाच्य वस्तु रहेगी और उससे जो
व्यंग्य वस्तु यहाँ पर जैसे वाच्य वस्तु विधि रूप है तो व्यंग्य वस्तु क्या होगी, निषेध रूप होगी। वाच्य वस्तु निषेध रूप है तो व्यंग्य वस्तु विधि रूप होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, वस्तु वस्तु का प्रयोग कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको भेद दिखाए गए हैं ये सब वस्तु वाले के हैं। इसके बाद अलंकार वाले के आगे दिखाएंगे और रस वाले के आगे दिखाएंगे। यहाँ पर जो है वस्तु के भेद आपको ये दिखा दिए गए हैं। ठीक है, तीन प्रकार का होता है ना, प्रतीयमान वस्तु, अलंकार और रस आदि, जिसमें जो ऊपर हमने पांच बताए हैं वो वस्तु के हैं। ठीक है, अलंकार के उसके आगे मिलेंगे और रस आदि के उसके आगे मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप ये समझ लीजिए कि तथा ही आद्य, आद्य का मतलब है वस्तु रूप, तावत वस्तु रूप तो प्रभेद जो होता है वो वाच्या दूरम, वाच्य से अलग होता है, दूर होता है और विभेदवान माने अलग होता है। स ही, अब वो वाला वस्तु वाला भेद कदाचित वाच्य, कभी जो है वाच्य वस्तु रहेगा, कभी वस्तु वाच्य रहेगा, ले वाच्य जो वस्तु है वो विधि रूप रहेगा, कभी जो वस्तु वाच्य जो होगा वो विधि रूप होगा, लेकिन उससे जो व्यंग्य वस्तु निकलेगा वो क्या होगा, वो प्रतिषेध रूप होगा। इतना स्पष्ट हो गया क्या कि नहीं? कभी क्या होगा, कभी वाच्य वस्तु क्या होगा, वाच्य वस्तु विधि रूप होगा, लेकिन लेकिन उससे जो व्यंग्य निकलेगा तो वो व्यंग्य वस्तु जो होगा, क्योंकि व्यंग्य तो तीन प्रकार का बताया ना, वस्तु वस्तु अलंकार और रस, तो जिसमें व्यंग्य वस्तु होगा, व्यंग्य वस्तु होगा वो प्रतिषेध रूप हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको कि यहां पर जो है क्या मामला है। देखिए इस उदाहरण से हम इस चीज को समझ पाएंगे। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्म धार्मिक विश्रब्धा ससुनको अद्यमारितस्तेन गोदावरी नदी कूल लता गहन वासिना दृप्त सिंहेन। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग पाठ मिल जाते हैं तो इसकी बजाय जो है कच्छ और यहाँ पर जो है कुंज, ऐसा भी पाठ मिलता है, अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रसंग समझना होगा कि क्या मामला है यहाँ पर। तो गोदावरी नदी का कोई तीर है, उस तीर में कोई लता का वहाँ पर कुंज है, लता का एक मतलब लताओं का बना हुआ एक मंडप सा है, घर टाइप का है, जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पर फूलों को तोड़ने के बहाने से कोई या फूलों को तोड़ने के लिए ही कोई धार्मिक जा रहा है, तो उस धार्मिक को वो जो प्रेमिका है वो क्या मान रही है, बाधा मान करके, और उसको कह रही है कि मतलब हे धार्मिक, वहां पर जहां पर आप फूल तोड़ने जा रहे हैं तो वहां पर आप जरूर जाइए, बिना शंका के आप भ्रमण करिए। क्यों? क्योंकि जहां वहां पर तुम जाते थे तो वहां तुमको रोज कुत्ता डराता था, लेकिन आज वहां पर कुत्ता नहीं है, क्योंकि उस कुत्ते को एक भयंकर जो सिंह है, उस कुत्ते को एक भयंकर सिंह ने कुत्ते को मार डाला है, तो इसलिए अब आप आराम से वहां पर जाइए और पुष्पों को तोड़िए। अच्छा, वो जगह क्या थी, वो प्रेमिका और प्रेमी के मिलने का स्थान थी। ठीक है, लेकिन चतुर प्रेमिका है तो वो क्या कह रही है, मतलब धार्मिक जो है कोई जो व्यक्ति है वो फूल तोड़ने के लिए जा रहा है, तो उसको इस प्रकार से उसने कह दिया। अब निकल क्या रहा है, इससे निकल ये रहा है कि अब जिस जो जब कुत्ता तुमको डरा देता था, अब तो कुत्ते को भी खा लेने वाला सिंह वहां पर आ गया है, तो इसका निकल ये रहा है कि अब तुम वहां पर मत जाना, तो इससे क्या होगा, धार्मिक नहीं जाएगा। और फिर वो प्रेमिका, उसने तो झूठ ही बोला है, तो इसलिए वो अब निर्विघ्नता पूर्वक प्रेमी के पास अभिसरण करने के लिए जा सकेगी, अभिसार के लिए उस स्थल पर वो जा सकेगी। ठीक है, तो ये कहानी आप समझ गए कि नहीं? तो वो कह रही है कि भ्रम धार्मिक, हे धार्मिक, भ्रम भ्रम मतलब जाओ वहां पर, फूल तोड़ने के लिए आप जाइए, विश्रब्धा मतलब बिना शंका के जाइए, निस्संक होके जाइए, सह सुन कह
वो कुत्ता अद्य आज मारितः तेन, तेन मारितः उसने मार दिया। बोले किसने मार दिया? कहा दृप्त सिंहेन। अच्छा कहाँ कैसा दृप्त सिंह? तो गोदावरी नदी के कूल यानी किनारे पर जो लता मंडप है, जो गहन लता मंडप है, उसमें निवास करने वाले दृप्त सिंह के द्वारा, भयंकर सिंह के द्वारा वो कुत्ता आज मार दिया गया है। अब कच्छ, कच्छ का मतलब भी जलप्राय देश होता है, किनारा होता है, और वहाँ जो कुंज है यानी लताओं का जो मंडप है, उसमें रहने वाले दृप्त सिंह ने, भयंकर सिंह ने उस कुत्ते को मार दिया जो जिससे रोज तुम डरते थे, तो आज निश्चिंतता पूर्वक जाइए। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भ्रम के द्वारा नहीं ये निकल रहा है कि नौ भ्रम नहीं तो अभी कुत्ता तो केवल क्या करता था, डराता ही था। और ये जो दृप्त सिंह है जिसको, अब वो तो उससे भी ज्यादा जो है खतरनाक है, तो इसलिए अगर तुमने वहां तुम गए तो तुमको खा जाएगा, इसलिए वहां मत जाओ। तो यहां पर देखो श्लोक में ऐसा लिखा है जाओ, श्लोक में ये कहीं नहीं लिखा कि ना जाओ, लेकिन उस सिंह का डर दिखा करके ये चीज स्पष्ट, मतलब सिंह का डर दिखा करके क्या हो रहा है यहाँ पर जो है, व्यंग निकल रहा है कि वहां पर मत जाओ। तो श्लोक में तो क्या लिखा है, भ्रम, और उसका व्यंग क्या निकल रहा है, नौ भ्रम। तो यही है यहाँ पर, वाच्य जो वस्तु है वो विधि रूप है, वाच्य वस्तु क्या है, विधि रूप है यानी भ्रम, भ्रम माने जाओ वहां भ्रमण करो, और व्यंग्य वस्तु क्या है, यहाँ पर प्रति प्रतिषेध रूप है माने नौ भ्रम। व्यंग्य वस्तु क्या है यहाँ पर, नौ भ्रम। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? चलिए यही यहां पर बता रहे हैं, एक बार देख लेते हैं कि प्रतीयमान अर्थ का स्वरूप बता रहे हैं कि वो प्रतीयमान अर्थ अनेक, अनेक का मतलब लेना है तीन भेदों में विभक्त है, आगे बताएंगे भी। उसमें जो है पहला तो है केवल वस्तु, बस अर्थात अनलंकृत अर्थ रूपी। अच्छा यहां जो है यहां तक लेना, अनलंकृत अर्थ रूपी माने कि वस्तु का मतलब है जहां अलंकार ना हो, वो हो गया वस्तु, ठीक है। दूसरा भेद जो होता है वो होता है अलंकार रूपी भेद, जो वाच्य रूप में उपमा इत्यादि नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अच्छा यहां पर इन्होंने ब्राह्मण श्रमण न्याय बता दिया कि वे ही अर्थ व्यंग्य रूप में, देखो पहले ये जब पहले अलंकार थे, लेकिन अभी क्या हो गए हैं, अभी अलंकार्य हो गए, अभी व्यंग्य हो गए हैं, लेकिन फिर भी पहले अलंकार थे तो अभी भी इनको अलंकार नाम से हम जानते हैं। तो बेअर्थ व्यंग्य रूप होकर के भी अभी अलंकार्य हो गए, व्यंग्य हो गए, तो पूर्व प्रतिविज्ञान के बल से अभी उनको चूंकि वो अलंकार्य हो गए हैं, उनको अलंकारों के द्वारा अलंकृत किया जाएगा, वो अलंकार्य हो चुके, अलंकार नहीं रहे, तो लेकिन फिर भी पूर्व प्रतिविज्ञा के बल से अरे ये तो वही अलंकार है, तो इसलिए इनको वाच्य दशा में प्राप्त जो अलंकार नाम था उसी नाम से इनका उल्लेख किया जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण है, वो जब श्रमण यानी बौद्ध भिक्षु हो गया, तो पूर्व प्रतिविज्ञा के बल से ब्राह्मण श्रमण ये नाम दे दिया जाता है। और तीसरा होता है रस भाव रसाभास भावाभास इत्यादि। देखो ये एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि पहले अलंकार था, क्या था, पहले अलंकार था जब वो वाच्य था वाच्य दशा में, और जब वो हुआ व्यंग्य, अलंकार जब व्यंग्य हुआ तो वो हो गया अलंकार्य, क्या हो गया, अलंकार्य हो गया, मतलब अब वो अलंकार नहीं रहा, अलंकार जिसका किया जाए वो चीज हो गया है, लेकिन फिर भी हम व्यंग्य दशा में भी इसको क्या कह देते हैं, हम व्यंग्य दशा में भी इसको अलंकार कह देते हैं, क्यों, क्योंकि पहले चूंकि अलंकार था इसीलिए वही नाम इसका पड़ गया, ठीक है। जैसे कोई ब्राह्मण जब श्रमण हो जाए लेकिन फिर भी उसको पूर्व वाला ब्राह्मण ऐसा नाम ही दे देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर बता रहे हैं कि तीनों ही व्यंग्य के जो प्रकार हैं वो वाच्य के सामर्थ्य से माने वाच्य के बोध के बाद में वक्ता बोधव्य इत्यादि के वैशिष्ट दे वैशिष्ट से वाच्य के द्वारा द्योतित किए जाते हैं। वक्तृबोधव्य काकु इत्यादि जो होते हैं ये मैं आपको काव्य प्रकाश पढ़ाते समय इनको मैं आपको बता चुका हूँ, तो वहां पर आप देख सकते हैं दसों प्रकार जो है वो मैंने आपको तृतीय उल्लास में समझा दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको पढ़ के आएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो ये ग्रंथ समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये तीनों ही जो व्यंग्य के प्रकार हैं वो वाच्य के सामर्थ्य से, तीनों ही कौन कौन से, पहला वस्तु, दूसरा अलंकार, और तीसरा रस भाव रसाभास इत्यादि, ठीक है। तो ये वाच्य के सामर्थ्य से माने वाच्य के बोध के पश्चात ये वक्ता बोधव्य इत्यादि के वैशिष्ट से वाच्य के द्वारा द्योतित किए जाते हैं, और तीनों प्रकार का ये व्यंग्य ये वाच्य से अलग ही होता है,
वाच्य और व्यंग्य एक नहीं होता, व्यंग्य वाच्य से अलग होता है, माने जो वाच्य है वही व्यंग्य नहीं होता। जैसे पहला जो है बता रहे हैं कि वस्तु रूपी व्यंग्य का प्रकार वाच्य से सर्वथा भिन्न रूप वाला देखा जाता है। कभी जैसे वाच्य अर्थ विधि रूप है लेकिन व्यंग्य अर्थ क्या हो जाता है, प्रतिषेध रूपी हो जाता है। मैं आपको इसका उदाहरण बता चुका हूं। जैसे अभिसार स्थल है, अभिसार का मतलब जहां पर संकेत के लिए प्रेमी और प्रेमिका मिलने जा रहे हैं, तो गोदावरी के तीर में स्थित जो लता कुंज है, लता का जो एक कुंज बना रखा है, घर है, जो उस ओर जाते हुए किसी धार्मिक को विघ्न समझ करके कोई जो है विदग्धा माने चतुर सुंदरी प्रेमिका जो है रोक रही है, उस धार्मिक को जाने से रोकने के लिए व्यंजना के सहारे भोली भाली सी होकर के बोल रही है कि हे धार्मिक जी, निर्भय होकर इधर से जाइए, आज वो कुत्ता जो प्रतिदिन तुम्हें डराया करता था गोदावरी के तीर में स्थित लता कुंज में, गोदावरी के तीर में जो लता कुंज है उसमें स्थित दृप्त बाघ के द्वारा वो मार दिया गया है, अब बताओ। तो अब समझो इस बात को कि कुत्ता डराता था उसको मार दिया बाघ ने, तो इसलिए निर्भय होकर इधर इधर से जाओ ये निकलेगा कि ना जाओ ये निकलेगा, ना जाओ ये निकलेगा। तो यही है कि वहां गए तो तुम भी उसी के मुंह में पड़ोगे, तो यहीं से लौट जाओ, आगे जाने का साहस मत करो। तो यहाँ क्या है, यहाँ वाच्य जो है वो विधि रूप है, जाओ, लेकिन व्यंग्य क्या है, मत जाओ। ठीक है, तो यहां पर जो है व्यंग्य वाच्य से एकदम अलग है कि नहीं है, एकदम अलग है, बस यही है समझना आपको। दूसरी स्थिति में बताया था मैं क्या, कि वाच्य क्वचित कहीं कहीं पर वाच्य प्रतिषेध रूप होता है, और व्यंग्य क्या होता है, जो व्यंग्य वस्तु है वो कहीं वाच्य प्रतिषेध रूप होता है और व्यंग्य वस्तु विधि रूप होती है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया, जो व्यंग्य वस्तु है वो विधि रूप होती है और वाच्य जो है वो प्रतिषेध रूप होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं कि श्वश्रूः अत्र निमज्जति अत्राहम दिवसकम प्रलोके मा पथिक रात्रिंधक शय्यायाम आवयोर निमांसी। देखो इस श्लोक में जो कहा गया है वो मना किया गया है, इस श्लोक में मना किया गया है, मना किया गया है मतलब प्रतिषेध किया गया है, ये जो है श्लोक पढ़ करके आपको पता चलेगा। लेकिन जब इससे प्रतीति होगी तो वो ये निकलेगी, वो जो है हाँ की गई है, हाँ की गई है, यानी विधि विधि निकलेगी। ठीक है, तो जब यहां पर क्या निकलेगा, जब यहां पर व्यंग्य निकलेगा, जैसे जब आप पढ़ेंगे तो इसका जो वाच्य है वो प्रतिषेध निकलेगा, लेकिन यहां पर व्यंग्य क्या निकलेगा, व्यंग्य विधि निकलेगा, हाँ की गई है यहां पर, ठीक है, मना नहीं किया गया है। और जब वाच्य निकलेगा, वाच्य पढ़ेंगे सामान्य श्लोक का अर्थ देखेंगे तो वो मना किया गया है कि मत आना, लेकिन व्यंग्य अर्थ निकलेगा कि आ जाना। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्या मामला है, तो कोई ऐसी स्त्री जिसका जो चरित्र है वो ठीक नहीं है और उसका पति भी प्रवास पर गया हुआ है, तो ऐसी कोई तरुणी है, ठीक है, अब वो सायंकाल में अपने घर में, क्या अपने घर में निवास करने के लिए उसके जो है कोई आया हुआ है, पथिक आया हुआ है, तो वो पथिक ने उस स्त्री को देखा और स्त्री ने उस पथिक को देखा, अब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे पर मोहित हो गए। तो अब जो है स्त्री के अंदर जो काम पीड़ा है वह उत्पन्न हो गई है, अब वो व्यंजना के द्वारा, व्यंजना का आश्रय लेकर के उस पथिक को रात में अपनी शैया पर बुला रही है, लेकिन सीधे सीधे नहीं कह रही, ये कह रही है कि मत आना, और जबकि निकल करके क्या आएगा कि आ जाना। ठीक है, अब देखो वही बता रही है, क्या बता रही है कि पथिक, हे पथिक रात्रि अंधक, हे पथिक रात्रि अंधक, मतलब रात्रि अंधक मतलब है रतौधी के मरीज, मतलब जिसको रात में दिखाई नहीं देता है, तो अच्छे से देख लो, क्या अच्छे से देख लो, अत्र अहम, ये अत्र माने यहां पर, अहम माने मैं, और अत्र श्वश्रूः, यहां पर श्वश्रु, निमज्जति, निमज्जति का मतलब क्या होता है, निमज्जति का मतलब है डूब जाती है निद्रा में, एकदम क्या हो जाती है, क्योंकि बूढ़ी है तो यहां पर क्या हो जाती है, पूरी तरह से निद्रा में क्या हो जाती है, डूब जाती है। और अत्र अहम, यहां पर मैं जो है सोती हूं, दिवसकम प्रलोक है, दिन में ही प्रलोक है, मैंने देख लो, मां पथिक रात्रि अंधक, हे पथिक रात्रि अंधक, यानी कि रात्रि में जिसको दिखाई नहीं देता है, ऐसे पथिक
मा माने मत, आवयो हो हम दोनों की शय्यायाम, शय्या में निमांक्षी, हम दोनों की शय्या में मत गिर जाना। ठीक है, रात्रि में जब तुम चलोगे तो तुमको तो दिखाई नहीं देगा, तो हम दोनों की शय्या में, मा मतलब मत, आवयो हो हम दोनों की शय्या में निमांक्षी ही मतलब गिर जाना, हमारी शय्या में मत गिर जाना। तो ये चीज तुम दिवसकम माने दिन में परलोक देख लो कि अत्र शुश्रूः निमज्जति, यहाँ पर शुश्रूः सोती है, अत्र अहम् यहाँ पर मैं सोती हूँ, ये जो है देख लो। निमज्जति यानी कि डूबी रहती, एकदम डूबी रहती है। इससे स्पष्ट हो गया कि तुम आराम से मेरी शैया में आओ, कोई चिंता वाली बात नहीं है, उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसकी शैया में मत चले जाना, मेरी शैया में आओ। तो यहाँ पर पहले तो सीधे ऐसे तो माँ लिखाना, माँ का मतलब होता है मत, मना करना, मना किया जा रहा है कि हमारी शैया में मत आना, लेकिन इससे विधि व्यंग्य निकल रहा है कि हाँ किया जा रहा है, यहाँ पर हाँ किया जा रहा है कि हाँ मेरी शैया में, यहाँ पर मेरी मेरी शैया में आना। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? तो ये चीज तुम जो है दिन में अच्छे से जो है इस चीज को समझ लो, और रात में मेरी शैया में आ जाना। दिन में जो है तुम जैसे तैसे करके क्या कर लो, दिन को जैसे तैसे करके बिता लो, और रात में फिर आ जाना। इतनी स्पष्ट हो गई बात? अब देखो यहां पर जो है ना, यहां पर वाच्य जो है यहाँ प्रतिषेध रूप है, और व्यंग्य यहाँ पर विधि रूप निकल रहा है, यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए देखिए यहाँ पर और जो है इसको स्पष्ट कर दिया है, एक बार देख लीजिए इसका अनुवाद भी, कि वाच्य अर्थ प्रतिषेध रूप है और व्यंग्य अर्थ विधि रूप होता है। जैसे कोई मंचली युवती संध्या की बेला में अपने घर निवास के लिए टिके किसी युवा पथिक को उसके अपने प्रति उसके भाव विकार को ताड़ करके और स्वयं अप उसके प्रति मदनवश होकर के व्यंजना से अपनी स्वीकृति देती है। रतौंधी के मरीज बटोही, अभी दिन है, देख लो इस खाट में सास जी डूबी रहती है, इस खाट में मैं, कहीं हम लोगों की खाट पर मत गिर पड़ना, जबकि निकल आ रहा है कि मेरी खाट में आ जाना। तो बताओ यहाँ मत कहा और जबकि निकल आ रहा है आ जाना, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वाच्य जो है वो प्रतिषेध है और व्यंग्य क्या है, यहाँ पर विधि रूप है। ठीक है, वही जो है बता दिया है कि यहाँ पर वाच्य प्रतिषेध रूप है, लेकिन पथिक को दिया गया जो आरोपित विशेषण है रात्रेंधक, तो ये विशेषण बता रहा है कि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि विधि रूप अर्थ जो है वो अभिव्यंजित हो रहा है। ये विशेषण बता रहा है कि आ जाना। ठीक है, आ जाना। अब यहाँ पर वक्तृ बोधव्य दोनों का वैशिष्ट्य भी हो रहा है, यहाँ पर वक्ता भी विशिष्ट है और बोधव्य भी विशिष्ट है, तो उसके द्वारा सामाजिकों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर वो बुला रही है। ठीक है, अब चलिए अब हम अगली स्थिति देख लेते हैं कि क्वचित वाच्य विधि रूपे अनुभय रूपा, कहीं कहीं पर जो श्लोक है, श्लोक का अर्थ तो वाच्य निकलेगा, नहीं वाच्य तो अर्थ ही होता है, वाच्य जो है वो विधि निकलेगा, विधि निकलेगा मतलब कुछ काम करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन उसका अर्थ जो है कुछ अलग ही निकलेगा, वो ना विधि रूप होगा और ना तो निषेध रूप होगा, ना प्रतिषेध रूप होगा। ठीक है, देखिए तो क्या कहा जा रहा है यहां पर जो है, थोड़ा सा पहले वो समझ लेते हैं कि यहां पर जो है ना कोई नायिका है, वो उसके अंदर मतलब, और ऐसी नायिका है जिसके जिसका पति जो है वो किसी अन्य को अन्य नायिका में आसक्त हो गया है, नायक, तो किसी प्रेमिका का जो प्रेमी है किसी, वो अन्य प्रेमिका में आसक्त उसका हृदय हो गया है, तो उसको उसको कह रही है, उसको ईर्ष्या इत्यादि के द्वारा जो है उसके अंदर जो है क्या हो रहा है, दाह हो रहा है, तो वो कह रही है कि अब वो जो भी कह रही है उसको हम देखते हैं, और वो उसको क्या कर रही है, उसकी मतलब निंदा कर रही है, उसकी भर्त्सना कर रही है, और भर्त्सना करते हुए कह रही है कि ब्रज ब्रज यानी जाओ। ठीक है, ममैव एकस्याः, ममैव मेरे ही एकस्याः, एक के भवन्त होवें निश्वास रोदितव्यानि, निश्वास मतलब आहें भरना, रोदितव्यानि यानी रोना, तो तुम्हारे विरह में सिर्फ मैं ही क्या करूं, मैं ही निश्वास यानी आहें भरूं, रोदितव्यानि रोऊं, और
तुम ब्रज तुम जाओ अपनी जो है प्रेमिका के पास जाओ, मम एव एकस्याः, मुझ एक के ही भवन्तु माने होवें, मुझ एक के ही होवें, क्या होवें तो निश्वास और रोदितव्या है वरना रोना इत्यादि, मुझ एक के ही होवें। अच्छा किसके ना होवें, तो दोनों के ना होवें, ना तुम्हारे होंगे ना तुम्हारी प्रेमिका के होंगे जब तुम वहां पर देखो समझो, जैसे ये एक है ठीक है, ये एक क्या है प्रेमिका है और ये दूसरी प्रेमिका है और ये बीच में जो है वो कोई क्या है ये प्रेमी है। अब अगर ये इसके पास जाएगा तो क्या होगा, तो इसको तो सुख मिलेगा लेकिन ये जो प्रेमी है ये प्रेमी तो इसके बिना व्याकुल रहेगा दूसरी प्रेमिका के बिना, तो इसको भी दुख मिलेगा, इसको भी दुख मिलेगा, दोनों दोनों को क्या मिलेगा, इस प्रेमी को और इस प्रेमिका दोनों को दुख मिलेगा क्योंकि इसका हृदय तो इसमें लगा हुआ है तो इसलिए इसको दुख दोनों को दुख मिलेगा। तो ये कह रही है कि ऐसा करो तुम मेरे पास ना आओ, तुम इसके पास चले जाओ, तो इसके पास जब चले जाओगे तो ये दोनों पास पास में रहेंगे तो इनको सुख मिलेगा, इनको इनको सुख मिलेगा और इस अकेले को ही दुख मिलेगा क्योंकि इसका हृदय तो इसमें लगा हुआ है। तो यही बात है कि यहाँ पर इन दोनों को क्या मिलेगा, दोनों को सुख मिल जाएगा। यही कह रही कि माँ तबापि बिना, माँ मतलब नहीं, तबापि मतलब तुम्हारे भी, माँ तबापि मतलब तुम्हारा भी नहीं हो क्या, तबापि इसको यहाँ जोड़ो कि तब मतलब तुम्हारा अपि माने भी, माँ मतलब ना भवंतु होवे क्या, निश्वास रोदितव्यानि माने निश्वास और रोदितव्य, जो तुम्हारे तुम्हारा जो आहें भरना है, तया बिना, तया मतलब उसके बिना मतलब उसके अभाव में, तो उस जो ये जो तुम्हारी दूसरी प्रेमिका है इसके अभाव में तवापि तुम्हारा भी निश्वास रोदितव्य ना होवे, और नहीं तो तुम्हारा तो होगा ही, तुम्हारी प्रेमिका भी रोएगी और तुम भी रोओगे उसके बिना जो है, और निश्वास यानी आहें भरोगे, दुखी होगे। तो यही बात है कि तवापि तुम्हारा भी और तुम्हारी प्रेमिका का भी तया बिना उसके बिना जो है निश्वास रोदितव्यानि माँ भवंतु न होवे। ठीक है, दाक्षिण्य हतस्य जनिषत, दाक्षिण्य हतस्य का मतलब क्या है, दाक्षिण्य का मतलब है उदारता, तुम बहुत उदार हो मेरे प्रति, तुम बहुत क्या हो, बहुत ज्यादा मेरे प्रति उदार हो, तो इसी के कारण तुम क्या हो, हत माने विवश हो मेरे साथ में रहने के लिए, तुम मेरे प्रति दाक्षिण्य माने उदारता के कारण मेरे हत यानी कि विवश हो मेरे साथ में रहने के लिए, वास्तव में तो तुम उसी में जो है तुम्हारा हृदय लगा हुआ है, तो तवापि तुम्हारे भी निश्वास रोदितव्य माँ जनिषत ना उत्पन्न हो भें तया बिना, और ना तुम्हारे हो भें और ना तो तुम्हारी जो प्रेमिका है उसके हो भें, ना तुम्हारे हो भें ना उसके हो भें, नहीं तो दोनों के होंगे, तुम दोनों के होंगे अगर तुम मेरे पास आओगे तो ये चीज यहां पर निकल रही है। ठीक है, तो इससे ये तो यहां पर इस श्लोक का वाच्य है, लेकिन इस श्लोक का व्यंग्य क्या है, व्यंग्य ये है कि तुम सिर्फ मेरे प्रति का दिखा रहे हो, मेरे प्रति तुम जो है बहुत मतलब धूर्त व्यक्ति हो और तुम मेरे प्रति कृत्रिम प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कृत्रिम प्रेम को दिखा रहे हो, ये चीज यहां पर व्यंग्य हो रही है। और ये जो व्यंग्य है ना, ये व्यंग्य ना तो वाच्य रूप है और ना तो यहां पर नहीं, ये व्यंग्य ना तो विधि रूप है, ना तो विधि रूप है और ना तो ये व्यंग्य प्रतिषेध रूप है, स्पष्ट हो गया कि नहीं, तुम मेरे प्रति सिर्फ कृत्रिम प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो, ये व्यंग्य जो है ना वो विधि रूप है ना तो प्रतिषेध रूप है, ये चीज यहां पर व्यंजित हो रही है। ठीक है, लेकिन तुम बहुत धूर्त आदमी हो, तुम सिर्फ क्या कर रहे हो, मेरे प्रति कृत्रिम प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो, उसी में अनुरक्त हो, तो इस प्रकार से यहां पर निंदा की जा रही है, भर्त्सना की जा रही है, यही बात है। देख लीजिए, तो कहीं वाच्य अर्थ तो विधि रूप होता है लेकिन व्यंग्य अर्थ ना तो विधि होता है, ना तो विधि होता है और ना तो निषेध रूप होता है, अब दोनों से अलग होता है। जैसे कोई मन में ईर्ष्या कोप से भरी खंडिता नायिका जो है, अन्य आसक्त हृदय, मतलब ऐसा कोई दक्षिण नायक है, दक्षिण का मतलब होता है उदार नायक है, तो खंडिता नायिका का मतलब है कि खंडित हो गई नायिका, यानी कि मतलब उसका जो प्रेमी है वो किसी दूसरी स्त्री में अनुरक्त हो गया है, अन्य में आसक्त हो गया है हृदय जिसका, ऐसे दक्षिण नायक को सप्रणयोचित भर्सना दे रही है कि अपनी प्रिया के पास जाओ, मुझ अकेली को ही आहें भरना और रोना हो, कहीं तुम्हें भी और माने मुझसे झूठा प्रेम का दिखावा कर रहे हो तो तुम मेरे पास रहोगे तो तुम भी उसके बिना आहें भरोगे, वो भी तुम्हारे बिना भरेगी, तो उसके बिना कहीं तुम्हें भी ये आहें
और रोना ना हो जाए। ठीक है, अब यहां पर जो है ये तो वाच्य निकला इसका, लेकिन इसका व्यंग्य क्या है कि तुम सर्वथा सठ हो, तुम बहुत जो है दुष्ट व्यक्ति हो, मुझ में तुम्हारा केवल बाहरी प्रेम दिखाने को है, वास्तव में तो मैंने मेरी सौत में ही तुम्हारा गाढ़ा अनुराग है। ये भर्त्सना व्यंजित हो रही जो वाच्य के विधि रूप रहने पर ना तो निषेध रूप है और ना तो जो है विधि रूप है। ठीक है, यहां पर वाच्य है कि जाओ, वाच्य है कि जाओ उसके पास जाओ, तो ये वाच्य तो विधि रूप है, लेकिन व्यंग्य क्या निकल रहा है कि तुम सर्वथा सट हो, मुझ में बाहरी प्रेम दिखाते हो, कृत्रिम प्रेम प्रदर्शित करते हो। ये व्यंग्य है, ये व्यंग्य ना तो जो है मतलब विधि रूप है ना तो निषेध रूप है, तो ये उभय विलक्षण व्यंग्य है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति आ जाती है, क्वचित वाच्य प्रतिषेध रूपे अनुभय रूपः, कहीं कहीं पर वाच्य जो है वो प्रतिषेध होता है, मतलब वाच्य में तो मना किया जा रहा है कि मत करो ऐसा, लेकिन व्यंग्य जो निकलेगा वो अलग ही निकलेगा, व्यंग्य ना तो जो है विधि होगा ना तो प्रतिषेध रूप होगा। ठीक है, जैसे प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुख शशि ज्योत्सना विलुप्त तमो निभये अभिसारिकाणां विघ्नं करोषि अन्यासामपि हतासे। यहां पर देखिए थोड़ा समझ लीजिए क्या मामला है। तो कोई यहां पर जो है प्रेमिका है, कोई नायिका है, वो जल्दबाजी में कहाँ जा रही है, वो अपने प्रिय के पास जा रही है। ठीक है, उसके घर की तरफ जा रही है, और पता चला जो है उसका जो प्रिय है वो प्रिय भी जो है नायिका के पास आ रहा है। ठीक है, तो प्रिय भी नायिका के पास आ रहा है, तो उस प्रिय के द्वारा वो जो देखी गई नायिका है, वो देखी गई नायिका को कहा जा रहा है, उसकी प्रशंसा की जा रही है, उसकी चाटुकारिता की जा रही। ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? कोई जो नायिका है वो नायक के घर की ओर जा रही है, और बीच में ही उसको नायक मिलता है, तो वो नायक क्या करता है, नायिका की प्रशंसा करता है, यानी चाटु कहते हैं ना चाटुकारिता, तो वो चाटुकारिता ना कर रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है कि प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुख शशि ज्योत्सना विलुप्त तमो निवहे अभिसारिकाणां विघ्नं करोषि अन्यासामपि हतासे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहां पर जो है ना ये जो है संबोधनांत है कि मुख शशि ज्योत्सना विलुप्त तमो निवहे, कि अपने मुख की जो माने मुख शशि यानी मुख रूपी चंद्रमा की जो ज्योत्सना है, तुम्हारा मुख क्या है शशि यानी चंद्रमा के समान है, तो उस चंद्रमा के समान मुख की ज्योत्सना यानी प्रकाश के द्वारा विलुप्त कर दिया है, उस चांदनी के द्वारा जो तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा से निकल रही चांदनी है, उस चांदनी के द्वारा विलुप्त यानी नष्ट कर दिया है, तमो निवह यानी कि अंधकार का समूह जिसने अपने मुख से निकल रही चांदनी के द्वारा विलुप्त कर दिया है, तमह यानी अंधकार के निवह यानी समूह को जिसने, ऐसी हे नायिके हे प्रेमिके प्रार्थये माने कि मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारी, तावत माने तो प्रसीद प्रसन्न हो जाओ, और निवर्तस्व निवर्तस्व का मतलब है लौट जाओ, आगे मत जाओ। ठीक है, क्यों क्यों भाई, क्या कारण है? क्योंकि अभिसारिकाणाम अन्यासाम अपि विघ्नम करोसी, क्या है हे हताशे। देखो हताशे का मतलब यहां पर जो है ना ये सूचित करने के लिए दिया गया है कि वो जो है वो परिचित है, परिचित सूचित करने के लिए हताशे। अन्यासाम अपि अभिसारिकाणाम, क्योंकि तुम अन्य जो रमणियां अपने प्रिय से मिलने के लिए जा रही हैं, तो अन्यासाम अन्य जो अभिसारिकाएं हैं माने अन्य जो रमणी अन्य स्त्रियां जो अपने प्रिय से मिलने के लिए जा रही हैं, उनके लिए भी तुम क्या कर रही हो, विघ्न कर रही हो। तो क्यों? क्योंकि तुमने अपनी मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी से सारे अंधकार को हटा दिया, तो अब वो जो छिप छिप करके जा रही थी अंधेरे में, तो अब उनको समस्या हो रही है तुम्हारी वजह से, इसलिए जो अन्य अभिसारिकाएं हैं, अन्य जो प्रेमिकाएं अपने प्रेमी के पास मिलने के लिए जा रही हैं,
तो उनके लिए तुम विघ्न कर रही हो। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, यहां पर जो है वाच्य है वो प्रतिषेध रूपी है, क्योंकि यहां क्या श्लोक में कहा गया है नायिका से कि आगे मत जाओ, क्या कहा गया है मत जाओ। लेकिन इससे इससे व्यंग्य क्या निकल रहा है मत जाओ से, तो व्यंग्य निकल रहा है यहां पर व्यंग्य जो है वो नायिका की प्रशंसा, ठीक है, उसके मुख की प्रशंसा, उसकी जो है नायिका के प्रति जो प्रेमी के द्वारा किया गया जो जो चाटु है, चाटुता है, वो यहां पर व्यंजित हो रही है। ठीक है, तो एक बार जो है यहां से देख लेते हैं कि कहीं वाच्य के प्रतिषेध रूप रहने पर व्यंग्य अनुभय रूप होता है, जैसे कोई वेग से प्रियतम के घर अभिसार करती हुई नायिका है। अभिसार का मतलब होता है छिप करके कोई नायिका जब प्रियतम के घर जाती है तो उसी को कहते हैं अभिसार करना। तो उसके घर की ओर जाते हुए अपरिचित से बने जो हृदय बल्लभ के द्वारा, अब हृदय जो का बल्लभ यानी प्रिय है वो उससे इस प्रकार से चाटू पाती है कि अपने मुखचंद्र को, मुखचंद्र की चंद्रिका से अंधकार को दूर करने वाली हे सुंदरी मेरी प्रार्थना है प्रसन्न हो, लौटो आगे न जाओ हे हताशे। ये हताशे इसलिए जो है ये नर्म वचन जो है अपने आप को परिचित सूचित करने के लिए दिया गया है कि अन्य अभिसारिकाओं को भी तुम्हारी जो मुख चांदनी है उससे तुम विघ्न कर रही हो, तुम्हारा तो स्वतः विघ्न हो ही रहा है और अन्य को भी तुम विघ्न कर रही हो। तो यहां पर क्या है, यहां पर लौटो अर्थात आगे ना जाओ, ये क्या है, ये प्रतिषेध है। और इस वाच्य से क्या व्यंजित हो रहा है, प्रिय के द्वारा प्रिया की चाटुता यहां पर जो है वो व्यंग्य हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्वचित वाच्याद विभिन्न विषयत्वेन व्यवस्थापित, यहां पर जो है वाच्य क्या रहेगा, वाच्य एक रहेगा और उससे जो है उसके सुनने वाले क्या होंगे, श्रोता, विषय माने श्रोता विभिन्न होंगे, श्रोता क्या होंगे विभिन्न, श्रोता विभिन्न मतलब अनेक रहेंगे। तो जब श्रोता अनेक रहेंगे तो वो व्यंग्य भी क्या हो जाएगा, वो व्यंग्य भी क्या हो जाएगा, व्यंग्य भी अनेक हो जाएंगे। इतनी बात स्पष्ट हो गई, वाच्य एक रहेगा उससे विभिन्न के विभिन्न उसके विषय रहेंगे, विषय का मतलब सुनने वाले, विषय यानी कि जो बोधव्य रहेंगे वो विभिन्न रहेंगे, विभिन्न श्रोता रहेंगे, तो व्यंग्य भी व्यवस्थापित तो हो जाएगा अनेक रूप में। ठीक है, श्रोता जब अनेक रहेंगे तो व्यंग्य भी अनेक हो जाएगा, इसी चीज को जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले जो है व्यंग्य का जो भेद था वो स्वरूप के रूप में दिखाया गया था कि विधि रूप, प्रतिषेध रूप, अनुभय रूप, यह स्वरूप के रूप से था, स्वरूप के आधार पर भेद था। यहां पर विषय पर आधारित भेद दिखाया जा रहा है, श्रोता पर आधारित भेद दिखाया व्यंग्य का जा रहा है। ठीक है, तो कस्य वान भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सभ्रणम अधरम सभ्रमर पदमाघ्राण शीले बारितवामे सहस्व इदानीम। यहाँ क्या मामला है भाई, यहां पर थोड़ा जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा कहानी क्या है। तो देखो कोई जो है कोई स्त्री है, क्या है, कोई स्त्री है और उस वो स्त्री अपने प्रेमी से मिलने गई थी तो उसका जो होंठ था वो उसके प्रेमी ने काट दिया, किसी किसी स्त्री का, किसी स्त्री का होंठ था जो ओष्ठ था, उस ओष्ठ को क्या कर दिया, उसके प्रेमी ने क्या कर दिया, काट दिया। अब वो स्त्री मतलब अपने घर पहुंची, अब पता चला वहां पर जो है उस मतलब या जहां पर भी वो पहुंचने वाली थी, तो जहां पर भी वो बैठी थी घर में पहुंच के, अब पता चला उसका पति आ रहा है। अब पति आ रहा है तो पति उसका होंठ कटा हुआ देखेगा तो समस्या होगी। तो उसकी कोई चतुर सखी बोल रही है, होंठ कटने का कारण जो है अपने आप ही दे दे रही है। क्या दे दे रही है, क्या कह रही है, वो कह रही है अरे किस व्यक्ति को अपनी प्रिया का कटा हुआ होंठ देख करके गुस्सा नहीं आता, क्यों क्यों गुस्सा आएगा, क्योंकि उससे वो समझेगा कि ये किसी से मिलने गई थी, उसी ने उसका होंठ काट दिया होगा।
तो अब ये जो है चतुर सखी कह रही है कि मैंने तुमको मना किया था कि इस भ्रमर से युक्त, भौंरे से युक्त फूल को मत सूंघो, लेकिन फिर भी तुमने फूल सूंघा तो भौंरे ने तुमको काट लिया। अब जो है तुम्हारे होंठ में घाव हो गया, तो ऐसे घाव युक्त होंठ को, कटे हुए होंठ को देख करके किसको गुस्सा नहीं आएगा, सबको गुस्सा आएगा, ये जो है इस चतुर सखी ने कह दिया। अब जब ये इस बात को पति ने सुना, तो पति ने क्या समझा कि मेरी पत्नी के होंठ को भौंरे ने काटा है, क्योंकि उसकी सखी के द्वारा मना किए जाने पर भी मेरी पत्नी ने, मेरी प्रिया ने भौंरे से युक्त फूल को सूंघ लिया था, इसीलिए उसको काट लिया उसके होंठ को भौंरे ने। तो ये चीज जो है पति ने समझा, तो पति ने समझा तो पति समझ गया कि इसमें मेरी प्रिया, मतलब प्रिया में कोई दोष नहीं है, वो दुष्चरित्रा नहीं है, वो मतलब उसका कोई अपराध नहीं है, ठीक है। अब जो है इसी प्रकार से अन्य अन्य जो भी लोग हैं उनके प्रति अलग अलग व्यंग्य इसका निकलता रहेगा। जैसे जो पड़ोसी लोग हैं वो भी जब सुनेंगे तो उनको भी समझ आ जाएगा कि ये दुष्चरित्रा स्त्री नहीं है, ठीक है। और प्रिया शब्द का प्रयोग किया तो जो अन्य जो है मतलब सौतन जो है उसकी, जो अन्य, तो उनको भी समझ आएगा कि ये तो क्या है, पति की प्रिया मतलब प्रियतमा है, ठीक है। और नायिका को ये श्लोक सुन करके समझ आएगा कि आगे ऐसी गलती नहीं करनी है, अभी तो जो है गलती हो गई लेकिन आगे ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो है लोग अलग अलग इस श्लोक को समझ करके और अलग अलग क्या होगा, अलग अलग व्यंग्य लेंगे। जैसे जैसे एक जो है इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, गतोस्तम अर्कः, एक उदाहरण दिया जाता है। अर्कः माने सूर्य, अस्तंगतः अस्त हो गया, अर्क माने सूर्य, अस्त को चला गया माने अस्त हो गया। तो जब ये बात कोई, जब जैसे चोर कह रहा है, चोर सुन रहा है तो उसको समझ जाएगा चोरी का वक्त हो गया, कोई छात्र विद्यार्थी सुन रहा है उसको समझ जाएगा संध्या वंदन का वक्त हो गया। तो ऐसे जो है किसान सुनेगा तो उसको समझ जाएगा चलो अब जो है खेतों से चलने का वक्त हो गया, ऐसे ही कोई चरवाहा सुनेगा तो समझ जाएगा अब जानवर को जो है घर लौटाने का वक्त हो गया। तो अलग अलग उसको कोई प्रेमिका सुनेगी समझ जाएगी संध्या संकेत काल जो है अब जो है प्रेमी से मिलने का वक्त हो गया। तो अलग अलग जो है इसके अलग अलग एक ही वाक्य के अर्थ हो जाते हैं सुनने वालों के भेद से, श्रोताओं के भेद से। वही है यहाँ पर देख लीजिए एक बार कि कस्य बान भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सभ्रणम अधरम सभ्रमर पद्माघ्राण शीले बारित बामे सहस्य इदानीम। कस्य मने किस प्रिय को न भवति रोषः, रोष यानी गुस्सा नहीं आता है, दृष्ट्वा देख करके प्रिया के, अपनी प्रिया के अधर माने होंठ को, सभ्रणम माने कटा हुआ, व्रण मतलब घाव से युक्त देख करके, तो सभ्रमर पद्माघ्राण शीले, भ्रमर युक्त पद्म माने कमल को, आघ्राण माने सूंघने, सूंघने का शील माने स्वभाव है जिसका, ऐसी वारित वामे मैंने मना किया था, वारित मतलब मना करने पर भी, वाम यानी कि उल्टा आचरण करने वाली, सहस्व इदानीम अब तुम सहो। अब जब तुम्हारा पति तुम पर जो है गुस्सा करेगा तो तुम सहो अब, क्योंकि वो तो समझेगा कि तुम तो किसी पुरुष से मिलकर के आई हो। अब यही बता रहे हैं कि पूर्व उदाहरण में जो वाच्य व्यंग्य के पहले जो है वाच्य और व्यंग्य का स्वरूप भेद दिखाया था, उस स्वरूप भेद के कारण भेद दिखाया गया था, अब जो है विषय माने बोधव्य, बोधव्य यानी श्रोता के भेद से भी भेद आ जाता है, परस्पर भेद बताया जा रहा है कि विषय का मतलब होता है बोधव्य जन, जो वक्ता के द्वारा नियत किया जाता है, मतलब वक्ता जिसको सुनाना चाहता है। जैसे कोई कुलटा नायिका है, उसका अधर माने होंठ कहीं से कट गया है, अब समीप में कोई कहीं स्थित जो है उसका पति है, अब वो पति को उसकी जो उसको नहीं देखती हुई सी विदग्ध सखी, विदग्ध सखी मतलब जो चतुर सखी है वो उसके पति को नहीं देख रही है लेकिन बोल रही है क्या कारण है बोलने का, दोष का परिहार करना, कि इसका दोष न रह जाए, दोष पता ना चल जाए। तो इस प्रकार से वो कह रही है कि अपनी प्रियतमा का अपने द्वारा न किया गया, मतलब अगर कोई पुरुष अपने आप अपनी प्रियतमा का होंठ काटता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी प्रियतमा का अपने द्वारा न किया गया फिर भी खंडित अधर देख करके भला किस पुरुष को रोष नहीं होगा। तो हे भ्रमर युक्त कमल को सूंघने की आदत वाली, क्योंकि अब देखो भ्रमर युक्त कहने से समझ आया कि भौरे ने काट लिया होगा, तो मना करने के विरुद्ध आचरण करने वाली वारित बामे अब तो इसका फल भोग। अब देखो यहां पर जो इस श्लोक के कितने अर्थ निकल रहे हैं कि वाच्य अर्थ जो है
उसका बोधव्य कौन है? नायिका है। समझिएगा वाच्यर्थ मतलब जो इस श्लोक का वाच्य है वो किसको सुनाया जा रहा है? नायिका को। लेकिन व्यंग्य अर्थ जो है वो बहुत लोगों को निकल करके आ रहा है, उन उन बोधव्यों के प्रति। अलग अलग बोधव्य यानी श्रोता अलग अलग श्रोताओं के प्रति विविध रूप धारण कर लेता है। जैसे कि इसने अपराध नहीं किया है, ये जो है व्यंग्य किसको निकल रहा है? पति को आ रहा है। किस व्यंग्य का विषय कौन है? पति है। और ये जो ब्रह्म मने जो होंठ काटा गया है, ये भ्रमर ने काटा है, भ्रमर के द्वारा भौरे के द्वारा किया गया हुआ है, तो ये चलचरित्रा नहीं है, दुष्चरित्रा नहीं है, ये व्यंग्य का विषय पड़ोसी लोग हैं। प्रिया शब्द के प्रयोग से क्या पता चलता है कि ये अपने पति की प्रियतमा है। इस व्यंग्य का विषय का क्या है? उसकी जो सौतन है वो है। और पति का उपालंब भी जो प्रियतमा है उसी के प्रति होता है, कि पति जो है वो किसको उलाहना देता है? अपनी प्रियतमा को ही देगा। अब प्रिया होगी कोई तो वो कहीं भी जाए, किसी के साथ भी रहे, तो उसको थोड़े उलाहना देगा। तो ये व्यंग्य का विषय वो नायिका है। और आज तो मैंने तुम्हारी इस चहेती को बचा लिया, अच्छा, पर खबरदार जो ऐसी गुस्ताखी फिर कभी की, मतलब कि आज तो मैंने जो है इसको बचा लिया है, लेकिन आगे इसके होंठों को मत काटना। ये चीज जो है इस व्यंग्य का विषय जो है उसका उपपति, एक तो हो गया पति, पति को समझ आया अपराध नहीं है, और उपपति को जो जिसने उसका होंठ काटा था जिसने, तो उसको जो है जो प्रच्छन्न माने छिपा हुआ जो कामुक है, जो जो छिपा हुआ कामुक है उसको कहा जा रहा है। प्रच्छन्न माने छिपा हुआ जो कामुक है, जो उपपति है, प्रेमी है जो, तो उस व्यंग्य का विषय वो है कि आज तो मैंने जो है इस बहाने से बचा लिया, लेकिन आगे जो है ऐसा मत करना, होंठ मत काटना इसका, ठीक है? तो यही बता रहे हैं कि इस प्रकार से अन्य च एवं प्रकारा वाच्याद विभेदना, और भी इस प्रकार के जो प्रकार हैं वो वाच्य से अलग होते हैं और उनको आप समझ लेना चाहिए। आपको प्रतीयमान भेदा संभवंती, प्रतीयमान के और भी ऐसे भेद संभव हैं, तेषां दिंग मात्र में एतत् प्रदर्शितम्, जो है केवल दिंग मात्र यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया गया है। प्रतीयमान अर्थ के वाच्यार्थ से सुतराम भिन्न स्वरूप ऐसे अन्य प्रकार संभव है, इनमें जो है थोड़ा सा दिंग मात्र दिखा दिया गया है। अब दूसरा जो है द्वितीय भेद जो होता है वो भी वाच्य से भिन्न होता है, कौन सा? वो है अलंकार रूप। बता रहे हैं प्रतीयमान अर्थ का जो अलंकार रूपी दूसरा भी प्रकार है वस्तु मात्र प्रकार की भांति, ये पहला प्रकार है वस्तु मात्र, दूसरा है अलंकार, वो भी वाच्यार्थ से पृथक रूप होता है, ये आगे द्वितीय उद्योत में विस्तार से बताएंगे। जब विवक्षितान्य पर्वाच्य ध्वनि का निरूपण करेंगे उसमें भी संलक्षित क्रम व्यंग्य को बताएंगे, तो वहां पर बताएंगे, ठीक है, वहीं पर जो है बता देंगे। तीसरा जो होता है वो होता है रसादि लक्षण प्रभेद, ठीक है? तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है वो रसादि लक्षण प्रभेद प्रभेद होता है, ठीक है? इस रसादि लक्षण प्रभेद को हम लोग क्या करेंगे? अगले पाठ में देखेंगे, तीसरे भेद को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो अभी यहीं तक इसको रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने अन्य मित्रों को भी बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिश्रा संस्कृत प्रबोध, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? मिलेंगे हम लोग अगले पाठ में, सभी को नमस्कार।